यहाँ क्या हो रहा है? छठ माँ का पूजा हो रहा है। हर जात के अलग अलग पूजा करते हैं कि एक ही जगह करते हैं? सब एक ही जगह छठ माँ का पूजा करते हैं। सामूहिक रूप से? हाँ, सब मिलजुल के करते हैं। सभी साथियों को नमस्ते। आज मैं यहाँ जनपद आजमगढ़ ब्लॉक अतरौलिया से हूँ। आज यहाँ हम गोविंद साहब में गोविंद बाबा के स्थान पे खड़े हैं और यहाँ आज छठ पूजा मनाई जा रही है। यहाँ लोगों का कहना है कि पुत्र और पुत्री का व्रत है और छठ माता के चरणों में जो मांगते हैं वो मिलता है और हम लोगों की मनोकामना पूर्ण की है छठ माता, इसलिए हम लोग आज व्रत रखे हैं और इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। आइए हम दोस्तों मिलते हैं इन जो छठ माता की व्रत रखते हैं लोग, आज इनसे मिल करके आज इनसे बात करते हैं। तो यहाँ छठ माता के व्रत में क्या क्या होता है? छठ माता के व्रत में यही सिंदूर लगाया जाता है, अगरबत्ती जलाया जाता है, दिया जलाया जाता है, सब कुछ जला करके पूजा, पानी में खड़ा होकर के पूजा करते हैं इनको। और कितने दिन की ये व्रत रहती है? 2 दिन की रहती है, एक छोटी वाली पड़ती है, आज बड़ी वाली है जी। तो छोटी बड़ी में कब तक पानी में खड़े रहते हैं? जैसे छोटी वाली में पानी में नहीं खड़े रहते हैं, शाम को वही पूड़ी और खीर बना करके खाते हैं और प्रसाद बांटते हैं जी। और दूसरे दिन ये बड़ी वाली है तो आज जाएंगे 4 बजे से पानी में रहेंगे 6 बजे तक भोरे में, फिर वहाँ पर जाएंगे पूजा करने के लिए पानी में। तो कितने बजे तक खड़े रहेंगे? तो वहाँ जब तक ये सूर्य भगवान नहीं निकल जाएंगे तब तक नहीं पानी में से निकलेंगे। जब सूर्य भगवान निकल जाएंगे तब वहाँ से निकल करके तब सभी लोग घर पे आएंगे। सभी लोग अर्घ कैसे दिया जाता है? किस चीज का? दूध का। कौन देता है? ये भाई देते हैं, भाई हैं या पति, अगर देवर हैं, मैंने 3 लोग मन से चाहे जो कोई साथ में रहे। तो क्या आपके गांव में जात पात का भी भेदभाव होता है छठ माता की पूजा में? नहीं, जात पात का तो भेदभाव नहीं होता है, लेकिन इनकी जो है माता की बर्थ में जी 21 दिन तो पहले लहसुन प्याज तो नहीं खाना रहता है और मीट मछली ये भी नहीं खाना है जी। और मतलब हर एक चीज मतलब सफाई ही रखनी है जी, बहुत साफ सुथरा से इनका व्रत रखना चाहिए जी। तो क्या यहाँ सामूहिक रूप से लोग पूजा करते हैं एक ही जगह की अलग अलग जातियाँ अलग अलग जगह पूजा करते नहीं हैं? अलग अलग जातियाँ नहीं, सब एक ही साथ पूजा करते हैं। छठ माँ का पूजा इसमें भेदभाव क्या करना चाहिए? जात वोत का जैसे लोग मानते हैं कि इस जात के हैं तो इनका अलग, ये लोग अलग अपना पूजा करें, हम लोग अलग करें, वैसा होता है? सब एक ही जगह करते छठ माँ का पूजा, इसमें किसी का भेदभाव नहीं होता, सबका सब पैर छूते हैं, सभी का आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद ही देते हैं। क्या इसमें एक जात के एक ही जगह पूजा करते हैं कि अलग अलग पूजा करते हैं? जैसे चमार जात के हुए कहते हैं कि अलग पूजा करिए। सब लोग एक जगह पूजा कर रहे हैं, ब्राह्मण निषाद लोग हैं, ठाकुर ब्राह्मण जितने लोग हैं सब एक ही जगह छठ माँ का पूजा करते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, मिलजुल के करना चाहिए छठ माँ का पूजा। क्यों? छठ माँ का पूजा करने से मिलजुल के करने से फलित होता है, किसी भेदभाव नहीं लिया जाता है। मेरी माँ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश इंडिया अनहर से।